मैं सुनील कुमार सहनी डिवाइन कोचिंग सेंटर की ओर से आज का मेरा टॉपिक है कि यदि समीकरण के अक्ष इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस छह बराबर जीरो के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न को हल कैसे करेंगे, सर्वप्रथम के अक्ष इन ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस छह इक्वल टू जीरो या मल्टीप्लाई कर लेंगे के अक्ष का मल्टीप्लाई एक्स में तो हो जाएगा के अक्ष स्क्वायर माइनस टू का गुणा एक्स में तो टू के अक्ष और प्लस छह इक्वल टू जीरो। अब उपर्युक्त समीकरण को मानक समीकरण ए अक्ष स्क्वायर प्लस बी अक्ष प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर मिल जाएगा ए बराबर आपको मिल जाएगा के और बी बराबर मिल जाएगा माइनस टू के तथा सी बराबर मिल जाएगा छह। प्रश्नानुसार दोस्तों है कि मूल बराबर है, दिए गए समीकरण के मूल क्या है, बराबर है तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध है डी इक्वल टू जीरो। अगर हमारा विभेद का जीरो है तो हमारा मूल बराबर होता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो या बी का वैल्यू है दोस्तों माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वैल्यू, ए का वैल्यू है के इंटू सी का वैल्यू है सिक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो। दो दुना चार के स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर के छौ का चौबीस, चौबीस के इक्वल टू जीरो। दोनों में दोस्तों के कामन ले लेंगे, फोर के कामन ले लिया जाएगा, फोर के कामन जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ के माइनस चार छ का चौबीस सिक्स इक्वल टू हो गया जीरो। अब फोर के माइनस सिक्स इक्वल टू जब फोर के को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों जीरो, अतः के इक्वल टू फाइंड होगा प्लस सिक्स, के का वैल्यू दोस्तों होगा सिक्स। जय वंदे मातरम।